हेलो यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पार्थ लकड़ावाला की दुनिया। फुल वॉच के साथ में मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाजू में जो बेल आइकन है आप बेल पे क्लिक करोगे तभी आप सभी लोग को मेरा नया नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत अच्छी में बात करने वाला हूँ, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत सारे क्रिएटर्स लोग हैं जो अपनी मन की बात बताते हैं और बोलते हैं कि कॉपीराइट क्लेम को हटाने से अपना वीडियो भी बचता है और यूट्यूब पे म्यूजिक भी दिखता है, तो वहां से भी आप अपना म्यूजिक को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी लोग जितने भी क्रिएटर्स लोग हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स लोग हैं, तो मैं उन लोग की मैं बात करता हूँ कि जितनी भी लेडीज लोग हैं वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, व्यूज तो आता है बहुत बड़ा, 3.1K, 2.1K, 4.1K, लेकिन क्या होता है उसके अंदर कॉपीराइट क्लेम दिखता है। कॉपीराइट क्लेम दिखता है, इसके लिए आप हड़बड़ी में क्या करते हैं, वीडियो को डिलीट मार लेते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, वहां पे आप मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूं। आपके रिलेटिव के पास, बच्चों के पास, हालांकि बच्चे लोग अभी बहुत सारे मोबाइल में YouTube भी देखते रहते हैं, शॉर्ट्स भी देखते रहते हैं, तो क्या होता है कि वीट मैट जो है, तो वीट मैट में आप शेयर कीजिए अपना वीडियो, और शेयर करने के बाद में आप डाउनलोड करिए अपना खुद का वीडियो। डाउनलोड करने के बाद में यूकट में आप जाइए। यूकट में जाने के बाद में जहां से आपने आपकी बोली स्टार्ट की है वहां से आप कट करिए, वो पार्ट को कट करिए, और जहां पे आपने म्यूजिक को डाला हुआ है तो वो म्यूजिक को भी रहने दीजिए, और एंड में जो आपने बात बताई है तो वहां से भी आप कट करिए। जो आपका म्यूजिक में कॉपीराइट क्लेम दिख रहा है, तो आपको सिंपल सा मैं आपको फंडा में बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, के प्ले स्टोर में आप जाइए, नो कॉपीराइट क्लेम वाला म्यूजिक आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और म्यूजिक को सुनिए कि इसमें कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है, इसमें कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है, इसमें कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है। अभी आप म्यूजिक को डाउनलोड करिए, उसमें जो कॉपीराइट क्लेम जो आया है तो वो म्यूजिक को कट करो और ये म्यूजिक को डाउनलोड करो, और अपना जो आधा पार्ट है वो आधा पार्ट को टेक रिटेक करते रहो। YT स्टूडियो में देखो कि कॉपीराइट क्लेम तो आया नहीं है। देखिए, अभी जब कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है, मतलब समझ लीजिए कि आपका नो कॉपीराइट म्यूजिक बराबर चल रहा है, वीडियो भी बराबर चल रहा है। डिलीट मार लीजिए आप वीडियो को, और फिर बाद में यू कट की मदद से वापिस वही वीडियो को एडिटिंग करिए, और एडिटिंग करने के बाद में वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लीजिए। हाँ, आपके जो पहले जो आपके व्यूज जो आए थे, तो हालांकि आपके व्यूज चेंज हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक वही की वही रहेगी, आपके बातें वही की वही रहेगी, वीडियो वही का वही रहेगा, लेकिन म्यूजिक चेंज हो जाएगा और पब्लिक लोग को कुछ उसमें नई बातें भी ऐड करिए। तो क्या है फ्रेंड्स, सभी लोग को नया वीडियो देखने को भी पसंद जरूर आएगा। अभी मेरी बात मैं करता हूँ, तो मैंने मेरे परिवार के साथ में मुंबई में रघुलीला मॉल में गया था।
तो क्या हुआ था, खाने पीने का जो मैंने ब्लॉग बनाया था तो नो कॉपीराइट म्यूजिक आ गया था। तो मैंने अपना ही वीडियो बाहर निकाला है, कट किया है, और कट करने के बाद में वीडियो यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड जल्द से जल्द मैं करने वाला हूँ। हालांकि पैसे की बात करता हूँ तो पैसे दूसरे के पास क्यों जाना चाहिए, मेहनत करे अपन, पैसा दूसरा कोई लेके जाए, ये तो गलत बात है फ्रेंड्स। पैसा अपने को ही मिलना चाहिए, मेहनत अपन जो करते हैं तो उसका फल अपने को ही मिलना चाहिए, दूसरे के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान में आप रखिए। सोच से अपना वीडियो हमेशा बनाते रहिए। सो यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सभी लोग को मेरी नई बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, न्यू ब्लॉग पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और भी नए नए ब्लॉग वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होना बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।